Good morning, all of you. So here we are today with the last chapter of the syllabus, International Business. Okay. So yesterday we did some of the introductory part of this chapter. Now coming to the meaning of international business. बेटे पहले तो आपको domestic, national, internal business के बारे में पता चल होना चाहिए. ठीक है, वो आपने किया ही है पिछले चैप्टर में. जो भी ट्रांजेक्शन्स, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के विद इन होती हैं वो नेशनल बिजनेस होता है. ठीक है, इंटरनल बिजनेस होता है. ऑन द अदर हैंड, अगर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कंट्री की बाउंड्रीज के बियॉन्ड हो जाए, ठीक है, द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स दैट मे बी रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड, it may be related to trade, but if these transactions take place beyond the boundaries of one's country, these are known as international business. ठीक है, so we can define international business as those business activities which take place across the national frontiers. ठीक है, and second thing, जो हम सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं इसमें, हमें लगता है इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है. इट इज नॉट सो बेटे. इंटरनेशनल बिजनेस इज अ वाइडर टर्म देन इंटरनेशनल ट्रेड. ट्रेड जस्ट इंप्लाइज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस इंक्लूड्स नॉट ओनली you know trade of goods and services, it also implies the movement of capital, movement of personnel, movement of technology, and even intellectual property rights like patents, trademark, know-how, copyright. ye sari cheezon ki jab movement hoti hai ek country se dusri country ki taraf, it is called as international business. So let us take one example. See, I am an exporter, right? I am selling goods, Indian made goods in a foreign country. This is a part of international business. But what category of international business? It will be classified as international trade. Okay. Secondly, there is another businessman. What does he do? He goes to US, sets up his company there, produces the goods there under his own name and sells the goods in US and in other parts of the world, other parts of the world. ठीक है, this will also be termed as international business. Here he is producing goods across national borders. ठीक है, इसी तरह से अगर आप कोई टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करते हैं या कोई लोग वहां जाके काम करते हैं या आप कोई भी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरी कंट्री से खरीदते हैं, चाहे वो पेटेंट है चाहे वो ट्रेडमार्क है, ठीक है, दिस इज इंटरनेशनल बिजनेस. सो इंटरनेशनल बिजनेस इन्वॉल्व्स नॉट ओनली द इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट ऑल्सो ऑफ कैपिटल, पर्सनल, technology and intellectual property rights like trademark, know-how and copyrights. Is it clear bete? International business is a wider term than international trade. International trade implies only international movement of goods and services. This has been taking place in India since long. बहुत सेंचुरीज से हम इंटरनेशनल ट्रेड करते आ रहे हैं. जो ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे वो ट्रेड करने के लिए ही आए थे, तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. नया कॉन्सेप्ट क्या है कि आज ना सिर्फ हम गुड्स का ट्रेड करते हैं, हम सर्विसेज का भी ट्रेड करते हैं, कैपिटल भी मूव होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री, प्रोडक्शन होती है दूसरी कंट्रीज में, फिर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी खरीदते हैं दूसरी कंट्री से. ये सारी चीजें
किस में आती है, इनको क्या कहा जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शंस विच टेक प्लेस अक्रॉस डिफरेंट और अक्रॉस बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री, अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. ठीक है, ओके. सो ये मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है. इंटरनेशनल बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है. इंटरनेशनल ट्रेड इन सर्विसेज हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड. पहले मैंने जब बात की कि ब्रिटिशर्स आए थे ट्रेड के लिए आए थे, लेकिन तब ट्रेड होता था सिर्फ गुड्स में. आज ट्रेड सर्विसेज में भी होता है, जैसे कि ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टाइजिंग. दिस हैज कंसिडरेबली ग्रोन. ठीक है, तो इसी तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओवरसीज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कंपनीज हैव स्टार्टेड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू फॉरेन कंट्रीज, अंडरटेकिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन फॉरेन कंट्रीज टू कम क्लोजर टू इट्स फॉरेन कस्टमर्स एंड सर्व देम मोर इफेक्टिवली एट लोअर कॉस्ट. बेटे जैसे जैसे टाइम चेंज होता है ना, समझ चेंज होती है, बिजनेस के रूल्स चेंज होते हैं, बिजनेस के प्रिंसिपल्स चेंज होते हैं, मेंटालिटी बिजनेसमैन की चेंज होती है. तो पहले क्या था, सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड होता था, यानी गुड्स हम अगर जिस चीज में हमें एडवांटेज है उस चीज की प्रोडक्शन हम अपनी कंट्री में करके, ठीक है, उसकी सरप्लस प्रोडक्शन को हम फॉरेन कंट्रीज में बेचते थे. यहीं तक लिमिटेड था हमारा इंटरनेशनल ट्रेड. लेकिन अभी क्या है, अब नया कॉन्सेप्ट आया है. जैसे मैंने ऊपर आपको एग्जांपल में भी बताया था कि जो पर्सन है मिस्टर मनचंदा, जो कि अपना बिजनेस एक्सपैंड, जो कि इंटरनेशनल करना जाना चाहते हैं, तो उनके माइंड में सिर्फ ये रहा होगा, जब उन्होंने सोचा कि लेट्स गो इंटरनेशनल, तो उनके माइंड में ये रहा होगा कि क्यों ना गुड्स की प्रोडक्शन करके और एक्सपोर्ट करें, फॉरेन कंट्रीज में बेचे. बट जब उनका बेटा जो कि MBA करके US से आया था, उसने सजेस्ट किया कि आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बैंकॉक में जाके अपना प्रोडक्शन यूनिट खोलिए, उससे आप कस्टमर के नजदीक हो जाएंगे, ठीक है, और उनको आप ज्यादा इफेक्टिवली सर्व कर पाएंगे, बजाय इसके कि आप यहाँ पर प्रोड्यूस करके वहां पे भेजे, इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करो. इट्स बेटर यू गो एंड प्रोड्यूस योर गुड्स इन सम अदर कंट्री एंड सेल देयर. ठीक है, जैसे मेक इन इंडिया है, मोदी जी का एक इनिशिएटिव है, वो भी तो यही कह रहे हैं ना फॉरेनर्स को कि इंडिया में आके प्रोड्यूस करो और इंडिया में आके बेचो. ठीक, तो ये नहीं कि अपनी फॉरेन कंट्री के गुड्स हमें इंपोर्ट यहाँ पे भेजो. नो, रादर यू कम टू अवर कंट्री, राइट, एंड प्रोड्यूस गुड्स हेयर एंड देन सेल टू अवर कस्टमर्स, टू अवर इंडियंस. इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की GDP बढ़ेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगी ना, और एम्प्लॉयमेंट भी हमारी कंट्री में बढ़ेगी. ठीक है, और जब हम ऐसा करते हैं, जिस कंट्री के लिए हमने गुड्स बनाने हैं, बेचने हैं, उसी में जाके बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, वी आर एबल टू सर्व, वी कम क्लोजर टू दैट कस्टमर, वी आर एबल टू सर्व देम मोर इफेक्टिवली एंड एट लोअर कॉस्ट्स. ठीक है, सो इंटरनेशनल बिजनेस एक ब्रॉडर टर्म है. इट कंप्राइजेस बोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, बोथ ऑफ द ट्रेड एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस बॉर्डर्स. ठीक है, सो नेक्स्ट इज रीजन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. व्हाई वी इंडल्ज इन इंटरनेशनल बिजनेस. सिंपल सा फैक्ट है बेटे कि हर कंट्री जो है हर चीज इक्वली वेल या चीपली नहीं बना सकती. ठीक है, जो नेचर है ना वो उसने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की हुई रॉ मटेरियल की. देर आर सर्टन कंट्रीज जहां पर रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है, और कोई पर्टिकुलर रॉ मटेरियल है ही नहीं है. ठीक है, और कुछ कंट्रीज में रॉ मटेरियल की बहुत कमी है. तो क्योंकि यू नो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी डिफरेंट कंट्रीज में डिफर करती है, लेबर प्रोडक्टिविटी डिफर करती है, प्रोडक्शन कॉस्ट डिफर करती है हर कंट्री की, तो इन डिफरेंसेस के करके हमने ये देखा है कि यू नो वन पर्टिकुलर कंट्री मे नॉट बी इन बेटर, मे बी इन बेटर पोजिशन
टू प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी गुड देन दैट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, ए और बी दो कंट्रीज हैं। ए अगर अपनी कंट्री में वीट बनाता है तो उसका जो कॉस्ट आती है वो आती है ₹80 पर क्विंटल, क्योंकि इनकी सॉइल अच्छी है, ठीक है, लोग मेहनती हैं तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और 80 पर क्विंटल आती है और प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। वेयर एज अगर बी अपनी कंट्री में बी कंट्री में अगर हम वीट प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन होती है या कॉस्ट आती है दैट कम्स आउट टू बी ₹120 पर क्विंटल। सो व्हाट शुड दे डू, दे शुड स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड सेल द सरप्लस वीट टू बी। बी इंस्टेड ऑफ यू नो प्रोड्यूसिंग इट इन इट्स ओन कंट्री, इफ इट बायस फ्रॉम ए इट विल बी चीपर फॉर इट। अगर ये बी कंट्री वीट ए से खरीदती है, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस ना करके ए से खरीद लेती है तो उसको कॉस्ट कम पड़ती है। ठीक है, सो यही एक सिंपल सा फैक्ट है कि हर कंट्री जो है इक्वली वेल या इक्वली चीपली हर कमोडिटी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसीलिए जिस में उसकी एडवांटेजियस पोजीशन है उसकी वो प्रोडक्शन करती है, सरप्लस में प्रोडक्शन करती है, और जो सरप्लस प्रोडक्शन है उसको वो एक्सपोर्ट कर देती है उन कंट्रीज को, और उसके बदले वो चीज ले लेती है उन कंट्री से जिसमें ये डिसएडवांटेजियस पोजीशन पे है। सपोजिंग ए कंट्री जो है वीट सस्ती बनाती है, लेकिन राइस अगर वो अपनी कंट्री में बनाएगी तो वो महंगा बनेगा, तो क्या करेगा, वीट ही बनाएगी, राइस की प्रोडक्शन नहीं करेगी अपनी कंट्री में, राइस को क्या कर लेगी, इंपोर्ट कर लेगी बी कंट्री से या किसी और कंट्री से। ठीक है, सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो सेव्ड रहे, उनका जुडिशियस इस्तेमाल हो, तो वन शुड इंडल्ज इन इंटरनेशनल बिजनेस। राइट बेटे, ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट इन दिस चैप्टर, differences between international business and domestic business. So can any one of you tell me the difference between international business and domestic business? Okay, so one difference which you most of you are aware of and you are telling me in the chat box, that internal business or domestic business takes place within the geographical boundaries of the country, whereas international business takes place beyond the geographical boundaries of the country. Okay, again one more answer I got from Arzu, very good, that trade restrictions are there in international trade but not in domestic business. Okay, we can say ke aisa nahi hum keh sakte ke nahi hai restrictions, लेकिन फॉर्मेलिटीज या लॉ वो अपने कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग हम डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं, वेयर एज जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंडल्ज करते हैं बेटे, सो वी माइट बी सेलिंग आवर गुड्स टू से चाइना और टू यूएस और टू मेक्सिको और टू कैनेडा, ठीक है, और टू ऑस्ट्रेलिया, हर कंट्री के जो लॉज हैं वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, हर हर एक की अलग अलग फॉर्मेलिटीज होंगी, तो इस करके हमें ये जो डिफरेंस है वो हमें झेलना पड़ता है कि डोमेस्टिक बिजनेस में तो लॉज जो है, कानून जो है, पूरी यू नो कंट्री के लिए सेम रहेंगे, चाहे आप पंजाब में बेचो, चाहे हरियाणा में बेचो, चाहे कर्नाटक में बेचो, लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उस केस में यू हैव टू कीप इन माइंड दी यू नो लॉज ऑफ लैंड ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नेशनैलिटी ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सो दो पार्टिसिपेंट्स हैं बेटे, की पार्टिसिपेंट्स दो होते हैं ट्रेड में, वन बायर एंड अनदर इज सेलर। ठीक, तो जो डोमेस्टिक बिजनेस है उसमें बायर और सेलर दोनों की नेशनैलिटी सेम है, दोनों इंडियंस हैं, दोनों सेम कंट्री को बिलोंग करते हैं, सो इसीलिए इन दोनों पार्टीज को एक दूसरे को समझना आसान रहता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस डील्स में एंटर करना भी आसान रहता है।
लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में दोनों की पार्टिसिपेंट्स यानी कि बायर और सेलर की नेशनैलिटी डिफरेंट होती है. दे डिफर इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, एटीट्यूड, सोशल कस्टम्स, बिजनेस गोल्स एंड प्रैक्टिसेस. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट to interact with one another, it becomes difficult, you know, for them to interact with one another. Buyer ko seller ke saath, seller ko buyer ke saath interact karna aur business transactions ko finalize karna mushkil ho jata hai. Theek hai? So this is first difference. Second, nationality of stakeholders. बेटे हर बिजनेस के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स होते हैं. जैसे कि इम्प्लॉइज इज वन ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कस्टमर अनदर स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स जिन्होंने मनी इन्वेस्ट की हुई है, शेयर्स खरीदे हुए आपकी कंपनी के, ठीक है, सप्लायर्स, ये सब जो है ये स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस में. अब डोमेस्टिक बिजनेस में ये जो स्टेक होल्डर्स हैं दे बिलोंग टू वन कंट्री, ठीक है. सो उनके जो वैल्यू सिस्टम है उसमें कंसिस्टेंसी रहती है. देयर इज अ कंसिस्टेंसी इन देयर वैल्यू सिस्टम एंड इन देयर बिहेवियर. सो जो डिसीजन मेकिंग है वो इजी रहता है. डोमेस्टिक बिजनेस में सारे स्टेक होल्डर्स की नेशनैलिटी, स्टेक होल्डर्स क्या क्या हो गए, कस्टमर्स हो गए, इम्प्लॉइज हो गए, सप्लायर्स हो गए, ठीक है, इन्वेस्टर्स हो गए, इन सब की नेशनैलिटी सेम है. दे बिलोंग टू सेम कंट्री, सो दे शो कंसिस्टेंसी इन देयर वैल्यू सिस्टम एंड देयर बिहेवियर. सो डिसीजन मेकिंग बिकम्स इजियर. वेयर एज बेटे इन केस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ये जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी जो वैल्यू सिस्टम है वो डिफर करेंगे क्योंकि इनकी नेशनैलिटी डिफरेंट है, ठीक है, स्टेक होल्डर्स की. तो किसी के लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है. तो इनकी जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो डिफर करती हैं. फॉर दैट वेरी रीजन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेक डिसीजंस. जो बिजनेस डिसीजंस को लेना, बिजनेस डील्स को मटीरियलाइज करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है. देन मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. What is the meaning of mobility? Anyone? What do you mean by mobility? Mobility of factors of production. Yes, mobility means movement. So, bete, domestic business mein jo degree of mobility hai factors ki, wo rehti hai. वो मोबाइल है, यानी कि जो लेबर है या कैपिटल है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है. तो जो इनकी मोबिलिटी है वो काफी ज्यादा है. देयर इज अ मोर मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देयर डज नॉट एग्जिस्ट वेरियस रिस्ट्रिक्शंस. अगर आपको पंजाब से कर्नाटक जाना है तो आपको कोई वीजा लगवाना, कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. सो यू कैन फ्रीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन केस यू आर एंगेज्ड इन इंटरनल बिजनेस, डोमेस्टिक बिजनेस. ऑन द अदर हैंड अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस की बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मोबिलिटी के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं. एक तो बेटे लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको यहाँ से कैनेडा जाना है तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपको वीजा, आपको एम्बेसी से परमिशन लेनी पड़ेगी, वीजा लेना पड़ेगा, ठीक है. इसके अलावा, लीगल रिस्ट्रिक्शंस के अलावा जो वेरिएशंस हैं सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट में, आप जाने से पहले सोचोगे अरे वहां पे जाके मेरे से पता नहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम ना आ जाए, ये ना हो मैं उनके कल्चर में अडॉप्ट ना कर पाऊं, जिस तरह के वो क्लॉथ्स डालते हैं और जिस तरह के मैं डालता हूँ, हो सकता है वो लोग मेरा मजाक ना बनाए, ठीक है. ये सोशो कल्चरल डिफरेंसेस हैं. देन देयर आर ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस. हमें लगता है कि हम तो एक ट्रॉपिकल कंट्री में रहते हैं, वार्म कंट्री है हमारी, ठीक है, तो हम इतनी कोल्ड कंट्री में जाके कैसे रह सकेंगे.
So these are then economic conditions also. These, you know, come in a big way in their movement across countries. ठीक है, जैसे कि अगर आप भी सोचते हो कि आपको फॉरेन कंट्री जाना है तो आपको कहीं ना कहीं यू नो एक मन में रहता है जब, और आपको चले भी जाते हो पहले भी फियर होता है जाने से पहले, चले जाते हो फिर उसके बाद भी आपको काफी टाइम लगता है वहां के यू नो एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए. तो जो मोबिलिटी है इसका मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अक्रॉस यू नो डिफरेंट नेशंस, दैट इज लेस, देयर आर मोर रिस्ट्रिक्शंस. नेक्स्ट पॉइंट, कस्टमर हीट्रोजिनाइटी अक्रॉस मार्केट्स. नाउ अगेन, हीट्रोजिनाइटी मींस, व्हाट डू यू मीन बाय हीट्रोजिनाइटी? हीट्रोजीनियस, ऑपोजिट ऑफ होमोजीनियस. ओके, वन आंसर आई गॉट इन द चैट बॉक्स. ओके, नॉट यूनिफॉर्म, द वन विच इज नॉट यूनिफॉर्म, यस, वेयर देर आर लॉट्स ऑफ वेरिएशंस. सो कस्टमर हीट्रोजिनाइटी होती है इंटरनेशनल बिजनेस में, यानी वेरिएशंस बहुत हैं. क्योंकि बेटे इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, जो बायर है वो डिफरेंट कंट्रीज को बिलोंग करता है, तो उनकी जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है नेचुरली वो भी डिफर करेगी. उनका टेस्ट, अब चाइना के लोगों का टेस्ट अलग है, ठीक है, थाईलैंड के लोगों का अलग है, यूएस के लोगों का अलग है, मेक्सिको के लोगों का अलग है. फैशन, लैंग्वेज, बिलीफ, कस्टम, एटीट्यूड, ये सब डिफरेंट है. तो ये जो डिफरेंसेस हैं दे कॉज वेरिएशन नॉट ओनली इन देयर डिमांड for you know different products and services, but also in the variations in their communication pattern. ठीक है, तो उनको आपको कोई, जैसे आपने यहाँ पर example दिया है, it is precisely because of the socio-cultural differences that while people in China prefer bicycles, the Japan in contrast like to ride bikes. Similarly, while people in India use right-hand driven car, Americans drive cars fitted with steering brakes etc. on the left side. ठीक है, ये सोशो कल्चरल डिफरेंसेस हैं. चाइना के लोग बाईसाइकिल ज्यादा प्रेफर करते हैं, जापान के लोग बाइक्स प्रेफर करते हैं. इंडिया में राइट हैंड ड्रिवन कार्स चलती हैं, यूएस में लेफ्ट हैंड कार ड्रिवन चलती हैं. यूएस में फुली ऑटोमेटेड कार्स होती हैं, इंडिया में फुली ऑटोमेटेड नहीं होती है. नाउ दैट द ट्रेंड इज देयर, बट इतना अभी भी पॉपुलर नहीं हुआ है. फिर जो यूएस के लोग हैं वो अपना टीवी, बाइक और ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, 2-3 सालों में वो चेंज कर लेते हैं. वेयर एज इन इंडिया अगर आपका एक फ्रिज आ गया तो आप कहते हैं चलो 15 साल तक तो अब हमारा ये खर्चा खत्म, अब हम इसको नहीं बदलेंगे. टीवी आ गया या लैपटॉप आ गया या मोबाइल आ गया तो हमको लगता है चलो 8-10 साल निकल जाएंगे इससे. लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता, हम लोग उसको जब तक वो वॉर्न आउट नहीं होता तब तक रिप्लेस नहीं करते. वेयर एज दे टेक ओनली 2-3 ईयर्स टू रिप्लेस दीज कमोडिटीज. ठीक है, सो ये जो वेरिएशंस हैं बेटे, इससे काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं. किस तरह से प्रोडक्ट को डिजाइन करें, किस तरह से हम स्ट्रेटजीज इवॉल्व करें डिफरेंट कस्टमर्स के लिए जो कि एप्रोप्रिएट हो. ठीक है, सो this is another point of difference between domestic and international business. ठीक है,